अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और जहाँ जहाँ रहें शाद और आबाद रहें। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, शाद और आबाद रखें। तो जी, आज हम फिर वीडियो पे करने जा रहे हैं रिएक्ट रिएक्ट, तो कपिल शर्मा कपिल शर्मा। टैगलाइन हाँ, तो चलें अटरा आज ठगी हम भी मोमेंट्स हंसते हैं, आपको भी हंसाते हैं। चलें, खुद भी खुश हो और हमें लेट्स भी खुश सी। करें। ठीक है, आ जाए। इन रियल लाइफ में इन्होंने जिनसे शादी की है वो बड़े प्यारे इंसान हैं, वो आरजे हैं। और उनको देख के प्यार हुआ था कि रेडियो पे उनकी आवाज सुन के? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जो भी हुआ गलत हुआ। मनीष मल्होत्रा से। और तुम कमल जी? टेलर साइन कोलीवाड़ा। देखा तेरा डिफरेंस, क्या फर्क है सर? तो मनीष मल्होत्रा कौन सा कैंची लेके खुद काटते होंगे, सिलवाते वो भी वहीं से ही है। आपको पता है नया चीज आ गई मशीन में, क्या मैं यहाँ से टाइप करके आपकी पैंट भी उतार सकता हूँ? मेरे बाथरूम 9 बजे सवेरे। कभी कोई डिश है आपको आती? क्या बना लेती वैसे आप? कुछ बना लेती वैसे? मैं रेसिपी देख के बना लेती हूँ, बट मैंने मटन बनाया हुआ है, मटन करी बनाई हुई है, मैंने चिकन भी बनाया हुआ है। और दीवाना तो आप बना ही लेती हैं। तुम्हें कोई ना कोई लड़का जरूर बहाने से फ्लर्ट कर जाता है। सही पहचाने, मैं परेशान हो गई हूँ। परेशान नहीं, तुम बहुत खूबसूरत और जवान हो गई हूँ। आपको कम से कम 175 स्क्रिप्टें आपने पढ़ी। जब आदमी एक्टर एक हिट होता है तो उसके बाद अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आती हैं। आपके पास सारी खराब क्यों आई, आपने रिजेक्ट करी? मेरे पास ही आई थी, किस किस से प्यार करूं। एक तरीका दे दो जिसमें ये लड़के लोग मेरे साथ फ्लर्ट ना करें। मेरा अपना निकल रहा है फ्लर्ट, मैं क्या बताऊं तुमको। साड़ी? आपको साड़ी क्यों लेनी है? आप इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं। मेरी मम्मी कहती है कि इन कपड़ों में मैं बहुत बढ़के लगती हूँ। मम्मी पापा की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो प्यार से देखते ना, हमारी नजर तो देखो बहुत अच्छा। हां, when I switch lanes then I'm doing swing। मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया, देखना मैं कुछ दिनों में कैसे पतली हो जाती। really, आपके बाल लगा हूँ, वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक आसन बताता हूँ, ऐसे कम होगा वेट। ऐसे कैसे? आप ऐसे सीधे खड़े रहना। हाँ? अपनी गर्दन को पहले सीधे रखो। हाँ? फिर ऐसे करना लेफ्ट में। हाँ? फिर ऐसे राइट में। ये बस? आसन करना है आपको। लेकिन ये करना कब का है मुझे? कभी आपको कुछ खाना ऑफर करे। कॉलेजेस में यही प्रॉब्लम थी क्या? आई वाज इन लेडी श्रीराम और वो भी 7 बजे, मतलब वहाँ पर गेट बंद हो जाता। वाह, आप कॉलेज गई हैं? क्या मारूं तेरे को यहाँ से। हाँ गई हूँ, तुझे तो पता भी नहीं होगा कॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू पीजी डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स बेब। कोई अनुराग दीक्षित करके हैं, उन्होंने लिखा, वेल कपिल शर्मा, आई वांट अ पब्लिक अपॉलॉजी फॉर अब्यूजिंग मी और आई एम गोइंग टू सू यू टिल योर गिल्स। ये कौन है? इसको आपने जवाब दिया? चल बे चल बे चल बे। और लाइफ में कुछ ऐसे अप डाउन होते हैं, उससे हम लोग सीखते हैं। तो ठीक है, मुझे भी लगता है कि मैं पहले से थोड़ा मैच्योर हुआ हूँ। और सवाल क्या था? I am the one, the way your son don't need a gun to get rich. इतने गहने पहन के सोती हैं ये, इतने गहने पहन के नॉर्मल आदमी पार्टी में जाता। तुम इतना शो अच्छा होस्ट करती हो, कुछ नहीं पहना हुआ सिवाय ये 15 रुपए के जो तुमने लिए है। अच्छा, कौन बोलता था ऐसे? ऑडियंस सामने आपके। ऐसे कौन सा आपने कौन सा? सारे एपिसोड देख लो, चाहे कोई हीरोइन आए। माइक स्टार्टिंग होती है, एक बार वो खत्म बहुत मुश्किल से होती है। अच्छा, आप एक बात बताओ, मेरी जगह आप होते तो क्या करते? अभी भी आपके दोनों तरफ एक लड़की बैठी, एक लड़का बैठा, कुंडी आपने इस तरह भी रखी ना जिस तरह लड़की हो। समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें कैसे चुना। आई मीन वी आर लाइक पोल्स अपार्ट, हमारा कोई मैच ही नहीं है। सर, हमने कौन सा आपस में शादी करनी है? आप अपनी लाइन बोलिए, मैं अपनी लाइन, उसके बाद मैं अपने घर, आप भी किसी ना किसी के घर।
शहरू भाई, मैं बहुत अच्छा रोमांस करने वाला था, मेरे हाथ थोड़े से खुल भी गए थे, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इस काम में बड़े भाई का अच्छा दुकान चल रहा है, मैं क्यों हाथ डालूं। एक ना एक ऐसी लड़की मेरी फ्रेंड बन गई, एक लड़की मेरी फ्रेंड बन गई ऐसे ही, तो कहती हम लोग ऐसे घूमने फिरने जाना, हमारी यूनिवर्सिटी के सामने पिज्जा, वो नया नया पिज्जा का खुला था कुछ रेस्टोरेंट, तो मेरे पास 80 रुपए था, मैं पीसीए पे जॉब करता था तब, तो मैं 80 रुपए मेरे पास थे, तो मैंने हिसाब लगाया घर में, 60 रुपए का पिज्जा था शायद उस समय, अभी तो 120-150 से कम नहीं आता, 60 रुपए का पिज्जा, 10 रुपए कोल्ड ड्रिंक, मैंने कहा 70 रुपए है पेट्रोल है उसमें, तो 10 रुपए बचे, थोड़े टिप देके तो इंजॉय। अच्छा मैं गया, मैं पिज्जा मंगवाया पूरा फुल साइज पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक, वो पता नहीं भूखी घर से आई थी वो। पूरा अच्छा मैं एक स्लाइस धीरे धीरे करके खाऊं, कभी उसमें से मशरूम उठा लूं, कभी उसमें ऑलिव, पूरा भी ना खाऊं कि अगर जल्दी खत्म हो गया तो और मंगवाना पड़ सकता है, तो मैंने एक स्लाइस नहीं खत्म किया सर, उसने पूरा खत्म कर लिया, ऊपर सर गंदा सा डकार लेके उसने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर लिया, फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए, मेरा बजट हिल गया सर, तो मैं तो सोच लिया था वैसे ही, उसके बाद मिली नहीं मेरे को वो। इसको लगा होगा जो मेरे एक टाइम का खाने के लाभ आया, पर आज देखती होगी। हीरोइंस आती रहती है आपके शो पे, आप उनके पीछे क्यों पड़ते हैं ऐसे? नहीं ऐसी बात नहीं, हम लोगों ने तकरीबन 140 एपिसोड किए, बीच में फराह खान को मैंने कुछ नहीं कहा। रणबीर साहब आप पहली बार हमारे शो में आए, चाय पानी वगैरह मैं पी लूं फिर आपसे बात करता हूँ। ये भी अच्छा, ओह माय गॉड, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने यार, बहुत ही मजा आया इसके जोक्स सुन के ना, तो ये अच्छा हादसा बंदे को एंटरटेन करता है और कमाल है यार, हम लोगों को तो बहुत मजा आता है ना इसकी वीडियोस देखकर। ठीक है, तो होप सो आपको भी बहुत मजा आया होगा ये वीडियो देखकर, आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। तो जी हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।